So Let us read this given question. So, the given question says that a system goes from A to B by two different paths in PV diagram as shown in the figure. Heat give, given to a system in path 1 is uh, 1100 joules, and the work done by the system along path 1 is more than the part 2 by 150 joules. The heat exchange by the system in the part 2 is तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें कुछ डेटा गिवन है जैसे हिट दिया है सिस्टम वन देखिए ए से लेके बी तक क्या हो रहा है स्टेट चेंज हो रहा है ठीक है सिस्टम कहा से जा रही है ए से लेके बी तक जा रही है अब इसके लिए वो दो रास्ते से जा रही है दो पाथ से जा रही है एक पाथ वन और दूसरा पाथ टू ठीक है अब पार्थ वन में हीट की वैल्यू क्या है पाथ वन के लिए हम क्यू वन कंसिडर करेंगे तो हीट की वैल्यू है वन वन जीरो जीरो, जीरो जो एंड देन हमें हीट एक्सचेंज सिस्टम पार्ट मतलब Q2 की वैल्यू क्या बोला है 150. मतलब हमें W1 -W2 150 है क्योंकि क्या बोला है इज मोर देन पार्ट टू मतलब W1 की बड़ी है W2 से तो ये क्या हो जाएगा W1 डब्ल्यून माइनस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू हो जाएगा तो अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो वो हमें क्या बताता है क्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू राइट अब ये U क्या है U तो हमारा इंटरनल एनर्जी है अब दोनों केस में जो हमारा U है वो क्या रहेगा रहे सेम रहेगा क्यों क्योंकि U पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो इसीलिए U क्या रहेगा सेम रहेगा दोनों केस में ठीक है तो अगर हम केस वन के लिए लिखे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी क्यू वन इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू वन और वही अगर हम टू के लिए लिखे तो क्यू टू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू टू आ जाएगी इसे दे देंगे इक्वेशन ए और इसे देंगे बी तो अगर हम यहाँ पे ए माइनस बी कर दे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से हमें मिल जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू इज इक्वल टू यू तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो क्या दोनों के लिए सेम है इसे को अशुक्या मिलेगा हमें W1 माइनस W2 राइट right? अब हमारे पास Q1 की वैल्यू वह है 1100 माइनस Q2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है W1 माइनस W2 हमें दिया है 150 राइट right? तो यहाँ से 1100 माइनस 150 इसे को अशुक्य Q2 आ जाएगा मतलब अब Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 950 जूल्स राइट right? तो ये आ गई हमारी Q2 की वैल्यू दैट इज 950 फिफ्टी नाउ लेट्स चेक हम ऑप्शन चेक करेंगे तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट मैच है सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट ट्वेल्थ ऑल द बेस्ट